नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 10.2 इसका हम 10वां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होगा। सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए। ये हमारे पास एक वृत्त है, बाह्य बिंदु P से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। प्रश्न ये है, इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये जो है ये संपूरक होते हैं। संपूरक कोण कौन से होते हैं? जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है उनको संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों के जोड़ को हमें 180 डिग्री के बराबर सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको देखें, कोण ए, कोण ए किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, कारण वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। इसी प्रकार से कोण बी, यदि आप कोण बी देखें, ये भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या, तो ये जो कोण होगा ये भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इसका भी जो रीजन होगा वो यही होगा। अब हम आगे देखते हैं, ए ओ बी पी, यह एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वह कितना होता है? 360 डिग्री। यानी कि कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण पी प्लस कोण बी, यह बराबर होगा 360 डिग्री। यदि आप चाहें तो इसके आगे इसका रीजन लिख सकते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, वो यहाँ आप लिख सकते हैं। कोण ए कितना आया था? 90 डिग्री। कोण ओ हमें नहीं पता, कोण पी इतना आया था हमें नहीं पता, कोण बी इतना है 90 डिग्री, यह बराबर है 360 डिग्री। तो देखिए, कोण ओ प्लस कोण पी बराबर होगा 360 डिग्री। ये होगा 90 प्लस 90 180, 180 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कोण ओ प्लस कोण पी बराबर है 360 में से 180 माइनस कर दिए 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था कि कोण ओ और कोण पी जो है 180 डिग्री हो। तो हम लिख देंगे, सिद्ध हुआ कि कोण ओ और कोण पी संपूरक है। कोण ओ और कोण पी संपूरक है, यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था।